रहीम, जैसे कि आप सबको पता है कि आज मुल्क भर में योम मुस्तरद कागजात जो है वो मनाया गया है और पाकिस्तान की तमाम इंतजामिया, चाहे वो पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलोचिस्तान की है या सिंध की है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, उसके सैकड़ों की तादाद में उसकी टॉप लीडरशिप, उनके कारकुनान और उनके जो उम्मीदवारान थे मुख्तलिफ सूबाई और कौमी हलकों पर, उनके कागजात जो है वो उन्होंने मुस्तरद किए हैं और खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह सवात में, बीर में, सवाबी में, करक में, कोहाट में, डियाए खान में, पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनके जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं, सबसे पहले तो हम उसकी शदीद तौर पर मजम्मत करते हैं। एक दूसरा, इस तमाम तर फस्ताइयत के खिलाफ, इस तमाम तर गैर कानूनी अमल के खिलाफ कल इंशाअल्लाह ताला अज़ीज 2 बजे मैं अपने घर से इस तमाम ये जो भी जुल्म हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ, जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों के खिलाफ और उनके जो कागजात हैं वो मुस्तरद किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज अपने घर से कल इतवार के दिन बाद जोहर की नमाज 2 बजे एक भरपूर तरीके से मैं मोटरसाइकिल रैली निकालूंगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करूंगा। लिहाजा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से दरखास्त करता हूं और खसूसी तौर पर अपने हल्के के कारकुनान पी के बहसी के कारकुनान से दरखास्त करता हूं कि कल दोपहर 2 बजे इस तमाम तर जुल्म के खिलाफ, फस्ताइयत के खिलाफ, जबर के खिलाफ हम जो है पुरअम एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे और पाकिस्तान की तमाम इंतजामिया को हम बताएंगे कि आपके ये तमाम ऊंचे हथकंडे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखलिस मोहब्बे वतन क्यादत को, लीडरशिप को एक तरीके से बाहर रखना चाहते हैं ये जनरल इंतखाबात से, तो उसके खिलाफ जो है हम भरपूर एहतजाज करेंगे। शुक्रिया।